न्यायालय की मांग को लेकर झज्जर के सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सेवानिवृत्त व मौजूदा कर्मचारी एकत्रित हुए और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मामला उठाया। यहां पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारियों ने लघु सचिवालय में जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इन कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए झज्जर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल भी धरने स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांगों का समर्थन किया और कहा कि इस मामले में इसी माह हरियाणा विस के सत्र में उठाया जाएगा। इस मामले को लेकर भुक्कल ने और क्या कुछ कहा, आप भी खुद सुनिए। लगातार जो है सर्व कर्मचारी संगठन, जिसमें सभी विभागों के रिटायर्ड और जो इस समय के मौजूदा कर्मचारी हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और प्रशासन के अधिकारियों के डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने की बात कही है। आज प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो वित्त मंत्री भी हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जहाँ ये कहा है कि हम लोग जो हैं आपकी मांगों के पूरी तरह से समर्थन में हैं, एनपीएस के खिलाफ जो ये सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, हम भी समझते हैं कि इस समय पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए ताकि जो कर्मचारी हैं मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके बच्चों का और उनका भविष्य भी पूरी तरह से सुरक्षित हो पाए। तो आज धरने पर जो ये लोग बैठे हुए थे, हमने इनकी मांगों को पूरी तरह से समर्थन भी दिया है और एक आश्वासन भी दिया है कि 26 तारीख का, 26 दिसंबर का जो हमारा शीतकालीन सत्र है, उसमें भी हम इस मांग, इनकी मांग का ज्ञापन जो है आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार को सौंपने का काम करेंगे। और साथ ही साथ में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे वो राजस्थान की बात है, वहाँ पर हमने इसको ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली की बात कही है, छत्तीसगढ़ में कर दी गई है, झारखंड में, पंजाब में बात हो रही है, हिमाचल में कर्मचारी संगठनों ने कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा साथ दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये शामिल था। तो हम उम्मीद करेंगे जिस दिन भी हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहाँ से शपथ लेंगे, सबसे पहले जो है कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को एक कलम से इसको लागू करने का काम करेंगे। भुक्कल ने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है या बनने वाली है, वहाँ पर कांग्रेस कर्मचारियों के हितों में पुरानी पेंशन को बहाल कर रही है। सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो भी जल्द से जल्द इसे लागू करे। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।